यूपीएससी देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा मानी जाती है। इसे क्रैक करने का सपना हर छात्र देखता है। इसमें हर साल लाखों युवा पर्चा भरते और इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन विरले ही होते हैं जो इसे पास कर पाते हैं। गामिनी सिंगला उन्हीं होनहारों में से एक हैं, जो न केवल इस परीक्षा में पास हुई बल्कि ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर एक मिसाल भी कायम कर दिया। यूपीएससी ने अपना परीक्षा परिणाम घोषित किया तो ऐसे लाखों छात्रों के दिल की धड़कनें थम सी गईं। गामिनी सिंगला भी उन्हीं में से एक थीं। परिणाम जारी हुआ तो फिंगर क्रॉस किए उसे चेक किया जाने लगा, लेकिन उनका नाम तो टॉप में ही था। रैंक 3 हासिल करने वाली गामिनी ये परिणाम देख खुशी से झूम उठी। उनका परिवार उनकी इस सफलता से बेहद खुश है। गामिनी सिंगला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से पढ़ाई की है। यहाँ से इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से स्नातक की डिग्री हासिल की है। ये मूल रूप से चंडीगढ़ की ही रहने वाली है। गामिनी बचपन से ही बहुत मेधावी छात्रा रही हैं। गामिनी एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी, जिसके लिए इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही इनकी रुचि प्रशासनिक सेवाओं में जगी और इन्होंने यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर दी। ये यूपीएससी में अपने पहले प्रयास में असफल रही थी, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में ही इन्होंने सफलता हासिल कर ली। गामिनी सिंगला ने इसके लिए किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली थी, बल्कि उन्हें ये सफलता सेल्फ स्टडी से हासिल हुई। इसके लिए वो रोजाना 9 से 10 घंटे की पढ़ाई किया करती थीं। इस तैयारी में उनके पिता ने उनकी खूब सहायता की। अपनी इस सफलता का श्रेय गामिनी अपने पिता को ही देती हैं। उनके माता पिता हिमाचल प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर हैं। गामिनी अपनी सफलता से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बतौर आईएएस अधिकारी वो अपने काम से प्रतिमान स्थापित करना चाहती हैं। गामिनी को मिली ये सफलता देश की दूसरी युवतियों के लिए भी एक प्रेरणा की तरह है। आपको बता दें, यूपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 600 से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन आईएएस, आईपीएस और अन्य दूसरी सेवाओं के लिए हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।